वेलकम टू माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन सच में कैसा फील करते हैं आपको वर्सेस वो आपको कैसा शो करते हैं। तो हम देखेंगे कि उनके अंदर जो इमोशंस या फीलिंग्स हैं क्या उसके अकॉर्डिंगली ही वो आपको एक्सप्रेस करते हैं, आपके साथ बिहेव करते हैं, या फिर वो अपने फीलिंग्स के अगेंस्ट जाकर आपसे बात करते हैं, अपने फीलिंग्स के अगेंस्ट आपसे बिहेव करते हैं। सब कुछ देखेंगे कि वो आपको शो कैसे करते हैं और सच में कैसा महसूस करते हैं। तो दोनों चीज़ों के बारे में आज प्रेडिक्शन होगी। इससे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ आपके पर्सन के अंदर कोई इमोशंस है या नहीं, इरिस्पेक्टिव कि वो कैसे रह रहे हैं आपके साथ। सो आज आपको उनके नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, ठीक है? आप इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हो कोई भी ब्रेसलेट, बट अगेन अगर आपको नेम से ही मैं प्रिफर करूँगी कि उनके नेम का फर्स्ट लेटर जो है उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ करें, बट अगर आपका मन नहीं है तो आप इंट्यूटिवली कोई भी ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर आपके पर्सन का नेम ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को चूज़ करना है, ओके? और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस हॉलाइट ब्रेसलेट को चूज करना है। सो ये है पाइल वन, ये है पाइल टू। सो आपने पर्सन के नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंगली ब्रेसलेट सिलेक्ट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो सच में कैसा फील करते हैं आपके लिए वर्सेस वो आपको कैसा शो करते हैं। तो उनकी फीलिंग सेम रहती है या फिर वो आपको जताते नहीं हैं या अलग तरीके से बिहेव करते हैं, सब डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी दो दिन और जो है ओपन रहेगी। सो अगर आपको अपनी रीडिंग बुक करवानी है, आपको रीडिंग चाहिए, तो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर, और अपनी स्लॉट बुक कर लीजिए। और एल्स टू डेज बाद मैं बुकिंग क्लोज कर दूंगी, ओके? सो लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, सो हरी अप इफ़ यू वांट टू बुक। उसके साथ साथ एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रिंग्स, ब्रेसलेट, पेंडेंट्स एंड एनर्जाइज्ड मिस्ट स्प्रेज आपको मिल जाएंगे। सो उसके भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए व्हाट्सअप कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट भी चालू है, सो टैरो क्लास सीखने के लिए, एनरोलमेंट के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। इसे साइड में कर देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो हैं वो उनकी वो किस तरीके से आपके साथ रहते हैं, ठीक है? किस तरीके से आपको फील कराते हैं, आपसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसा शो करते हैं आपको, ये हम डिटेल में सबसे पहले देख लेते हैं, ओके? हमारे पास है टेन ऑफ वांड्स, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ऑल राइट। सो आपके जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन सबसे पहले देखते हैं कि आपको शो कैसा करते हैं, बेसिकली कैसे रहते हैं आपके साथ, कैसा बिहेव करते हैं आपके साथ। सबसे पहली चीज़ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन आपको बहुत बार मिक्स्ड फीलिंग्स देते हैं, ठीक है? वो शो करते हैं कि दे आर इन टू यू, या फिर वो आपको लेकर इंटरेस्टेड हैं, वो आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन बहुत बार जानबूझ के वो रूड हो जाते हैं, बहुत बार वो आपको दूर भगाने की कोशिश करते हैं, या फिर इस तरीके से आपको फील करवाते हैं, आपको लगता है कि शायद वो आपको लेकर खुश नहीं है और आपका इनसे दूर जाना ज़्यादा बेहतर होगा, और ये इंसान मजबूरी में आपके साथ जी रहा है, ठीक है? सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो बहुत मिक्स्ड तरीके से निकल के आता है। ये पर्सन कभी कभार बहुत प्यार करते हैं आपको, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी बात भी सुनते हैं, या फिर आपके विशेस को पूरा करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा करने के बाद उनके चेहरे में जो खुशी या उनके अंदर जो हैप्पीनेस रहनी चाहिए वो आपको कभी दिखाई नहीं देती। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन मजबूर होकर मेरे लिए करते हैं या मेरे साथ रह रहे हैं मजबूर होकर, शायद मेरे साथ खुश नहीं है वो। सो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड वाइब्स आपको डेफिनेटली देते हैं,
बार बार आपको हो सकता है कहते हों, फील भी आपको करवाते हैं कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इनके खुद के बिहेवियर की वजह से मुझे लग रहा है कि बहुत बार आपकी तरफ रूड हो जाना, आप पे गुस्सा करना, या फिर बहुत बार आपको ऐसा कह देना कि आपको लगे कि आपका कोई वैल्यू ही नहीं है इस पर्सन की ज़िंदगी में, और आपको दूर धकेल देना, आपको इग्नोर करना या भाव खाना जिसे हम कहते हैं, इस तरीके की चीज़ें भी हैं। तो आप कन्फ्यूज कहीं ना कहीं रहते हो कि ये पर्सन अगर प्यार करते हैं तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर क्यों हैं, और ये सारी चीज़ें हैं तो हमें जो प्यार महसूस होता है तो क्या वो रियल नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाते हो जो जिस तरीके से ये इंसान आपसे बिहेव करते हैं, बात करते हैं, और जिस तरीके से ये इंसान आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, और आपको समझ नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए आगे, आप दोनों का फ्यूचर आपको ड्रीम करना चाहिए या नहीं। और बहुत बार आपको ऐसा भी लग जाता है कि शायद ये पर्सन के लिए आप बोझ बन गए हो, या इनसे प्यार करके शायद ये पर्सन शायद आपके साथ खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पा रहे हैं आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ मजबूरी में रह रहे हैं। तो ये सारी नेगेटिव प्लस पॉजिटिव वाइब्स ये पर्सन आपको देते रहते हैं, और आपको अभी तक भी समझ नहीं आया है कि ये पर्सन आखिर आपसे क्या चाहते हैं, या फिर आपको किस तरीके से इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, सीरियस होकर करना चाहिए या कैजुअली करना चाहिए। कभी कभार तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल साथ ही छोड़ दो इनका, कभी कभार आपको लगता है कि नॉर्मली आगे बढ़ाते हैं, कभी कभार आपको लगता है कि इस पर्सन के अलावा आपको कोई भी नहीं चाहिए। सो कहीं ना आपके अंदर भी सर्टेनिटी या क्लैरिटी नहीं है, और वो क्लैरिटी इसी वजह से नहीं है क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, यू नो मूड स्विंग्स इस पर्सन को बहुत आते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। देखते हैं कि अब इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। ये तो हमने देख लिया कि इस तरीके से वो शो करते हैं आपको, कभी अच्छा कभी बुरा बिहेव करते हैं, लेकिन देखते हैं इनके दिल में ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। ओके वी हैव फोर ऑफ एरोज, we have page of bows, we have balance, we have page of vessels. okay great. so अब हम देख लेते हैं कि आपके person की सच्ची feelings क्या है, ठीक है। इस कार्ड को मैं यहाँ पर रखती हूँ। सबसे पहले चीज़ मुझे दिख रहा है कि इनकी ट्रू फीलिंग्स में इस पर्सन को पता है कि ये इनका ये जो कनेक्शन आपके साथ बना है, या फिर आप जो इनको मिले हो, ये इनका लाइफ टाइम का एक ही बार है, ठीक है। और आप इस तरीके के मैजिकल पर्सन हो कि आपके साथ रहकर ये लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं, इस पर्सन को पता है, ठीक है। आई डोंट नो किस रीज़न से इनको ऐसा फील होता है, बट इनको फील होता है कि आपके साथ लाइफ में तरक्की कर सकते हैं, आपके साथ ग्रो कर सकते हैं, आपके साथ रहकर ये और भी ज़्यादा बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो ये इंसान आपको लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड भी है, एंड साथ में ये पर्सन आपके प्यार में भी है, ठीक है। सो अगर आपको कभी कभार कन्फ्यूजन हुई है कि शायद ये रूड हुए हैं तो मतलब प्यार नहीं करते, नो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, एंड ये पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, ठीक है। द वे यू लुक, द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, जिस भी तरीके से आप जीते हो, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन फिदा है आप पे, मार्क माय वर्ड्स, ये पर्सन फिदा है आप में। ये इंसान के अंदर इमोशंस भी हैं आपको लेकर, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इन फीलिंग्स को बाहर नहीं आने देना चाहते, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी लेस डिजर्विंग फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई अच्छा मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले से ही उन्हें ये चीज़ लगती है। दूसरी चीज़ इनको ऐसा लगती है कि अगर मैंने और भी बता दिया कि मैं कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मैं कितना अट्रैक्टेड हूँ या अट्रैक्टेड फील करती हूँ, ये पर्सन के हो सकते हैं एटीट्यूड बढ़ जाए, ईगो बढ़ जाए, या फिर वो सच में किसी और अच्छे को ढूंढ ले, ठीक है। तो इस तरीके के माइंडसेट इस पर्सन की कहीं ना कहीं है। तो आप जो इनका माइंडसेट कहोगे तो वो थोड़ी सी नैरो माइंडसेट हो सकती है, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कॉम्प्लीमेंट देने से या पूरी तरीके से आपको अपना प्यार इजहार करने से या शो करने से मे बी आप किसी और के पास चले जाओगे, मे बी आपका भाव बढ़ जाएगा, इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो और वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, आप उनके अदर हाफ हो। ये पर्सन आपको जीवन साथी के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। ओके इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ ये सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ सही से चला लेंगे, आपके साथ ये लाइफ में कभी बोर नहीं होंगे, कभी इनका मन डाइवर्ट नहीं होगा,
और ये आपके साथ अच्छे से रह सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स ये है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये इंसान आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ये इंसान आपके टूवर्ड्स जो है ऑब्सेस्ड है, एंड आपकी वैल्यू भी इस पर्सन को पता है, ठीक है। और ये जो इनका प्यार है ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही शो नहीं करते, मुझे लगता है कि ये टाइम टाइम पर शो ज़रूर करते हैं, आपको एक्सप्रेस करते हैं, आपके लिए स्पेशल चीज़ें करते हैं, लेकिन कभी कभार इनके खुद के मूड स्विंग्स होते हैं या कभी कभार यू नो ये एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो रूड हो जाते हैं उस टाइम पर, और जिस टाइम पे हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान आपको एक्सप्रेस कर दे या आपको अच्छा फील करवाए, उस टाइम पे ये इंसान फेल हो जाते हैं वैसे करने में, ठीक है। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन इनका व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो है वो इसी तरीके से है कि रूडली बात कर देना, जल्दी गुस्सा आ जाना, इनको शॉर्ट टेम्पर्ड होना, स्टबर्न होना या लोगों की बात ना मानना, ठीक है, रिजिड होना, ये इनकी खुद की पर्सनालिटी है जो रिफ्लेक्ट कर रही है आपके कनेक्शन में या आप दोनों के बॉन्ड में, जिसकी वजह से हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान ऐसे क्यों है या ये प्यार करते हैं तो रूड वूड क्यों हो जाते हैं बीचों बीच। तो ये इनके खुद के इशू या खुद के पर्सनालिटी, खुद के खुद जैसे वो इंसान है उसके उसके वजह से है, और थोड़ा बहुत तो ये इंसान सप्रेस करके रखना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो आपको बता दें और फिर वो यू नो आपको अपना वैल्यू पता चले, उनको ऐसा लगता है कि आपको आपको अपना वैल्यू नहीं पता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको डेफिनेटली पता ही होगा अपना वैल्यू, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप कितने खूबसूरत हो, आपके अंदर कितने टैलेंट हैं, आप कितने अच्छे इंसान हो, वो आपको नहीं पता तो मैं क्यों बताऊँ, मैं अगर बता दिया और वो जान गई या जान गया तो मे बी शी और ही विल फाइंड समवन एल्स, ऐसा आपके पर्सन के माइंड में ज़रूर है, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ लग रहा है कि थोड़े से डिफरेंसेस एंड थोड़े से सप्रेसिंग वाली एनर्जी एंड रिजिड वाली एनर्जी यहाँ पर आ जाती है आपके पर्सन के अंदर, ओके। तो ये इनके शो करने वाले फीलिंग्स वर्सेस ट्रू फीलिंग्स में क्लियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यू नो आपको भी बहुत हद तक क्लैरिटी अब मिल चुकी होगी, बिकॉज आपकी भी माइंडसेट बहुत कंफ्यूज रही है, एंड इस पर्सन ने आपको बहुत फ्रस्ट्रेट भी किया है बहुत बार, ठीक है, फ्रस्ट्रेट भी हुए हो, फेडअप हुए हो बहुत बार, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। बट आपने हो सकते पूरी तरीके से गिव अप नहीं किया, बट समहाउ आपके अंदर वो होप जो पहले से थी वो अभी भी कहीं ना कहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बिहेवियर और एक्सप्रेसिंग द इमोशंस, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मैं आप लोगों को मिस्ट के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर 4 मिस्ट लॉन्च किए थे, न्यूली लॉन्च, एंड बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए एंड बहुत सारे ऑर्डर्स भी बुक हो चुके हैं। तो पहले वाला मिस्ट है हमारा क्रिस्टल क्लिनजिंग एंड एनर्जाइजिंग स्प्रे। सो अगर आप ऑलरेडी क्रिस्टल या जेमस्टोन वेयर करते हो या आपके पास क्रिस्टल होता है, आप ऑलरेडी कलेक्शन करते हो, आपको री एनर्जाइज करना है या एनर्जाइज करना है या क्लीन करना है, उसके लिए आप ड्यूअल फॉर्मुलेशन में स्प्रे है उसे यूज़ कर सकते हो। कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप घर बैठे इंस्टेंटली उसे क्लीन भी कर सकते हो, साथ में एनर्जाइज भी कर सकते हो। दूसरा मिस्ट है हमारा अट्रैक्शन मिस्ट। इस मिस्ट को यूज़ करके आप अपने लाइफ में कुछ भी या किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो इंस्टेंटली, ठीक है, किसी भी तरीके के टेक्निक वगैरह भी आपको ज़्यादा कुछ करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा है हमारा पॉजिटिविटी एंड एवेलाई प्रोटेक्शन स्प्रे। ये आपके घर के लिए, आपके फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए है। आपको अगर आप अपने घर में स्प्रे करते हो इसे तो एग्जिस्टिंग नेगेटिविटी हट जाएगी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, जिससे आपके घर में अबंडेंस बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, और जो फ्यूचर की जो एवेलाई होती है बुरी नज़र जिसे हम कहते हैं उससे बचाएगी आपके घर को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपको भी। चौथा है हमारा हीलिंग स्प्रे। इन केस अगर आप बहुत स्टक रहते हो, आपको ऐसा फील होता है कि आप ग्राउंडेड नहीं हो, आप वुंडेड हो, आप आपके अंदर पूरी हीलिंग नहीं हुई है, बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरते हो, पास्ट की इश्यूज़ हैं, तो उसके हीलिंग के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ ट्राई किया बट स्टिल यू आर नॉट रिकवरिंग, हीलिंग नहीं होती है मन की शांति नहीं होती, उसके लिए आप हीलिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि अट्रैक्शन मिस्ट आप कैसे यूज़ कर सकते हो और कैसे परचेस कर सकते हो। देखिए आपको इस तरीके के स्प्रे बॉटल्स में मिल जाएंगे ये जो भी स्प्रेज हैं, ठीक है, एंड कैसे यूज़ करना है उसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ पैकेज में ही रहेगा। सो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं डेमो आप लोगों को दे देती हूँ कि अगर आपको चाहिए सो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सबके यूजेस तरीके अलग अलग हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अट्रैक्शन मिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हो परचेस करने के बाद, ठीक है। ये जो अट्रैक्शन मिस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है,
आप मेरे सेकंड चैनल पे विजिट कर सकते हो। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। वहाँ पर मैंने और भी मैजिक से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हुए हैं एंड बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आए हैं, लोगों को रिजल्ट्स भी मिले, तो आप वो सारे वीडियोज़ भी चेक कर सकते हो। तो इस मिस्ट के बारे में अब मैं बताती हूँ। ये है अट्रैक्शन मिस्ट। इस मिस्ट को यूज़ करने से आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को या किसी को भी अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो आपके इंटेंशन के अकॉर्डिंगली। डिपेंड करेगा कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाह रहे हो इस मिस्ट के थ्रू, क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो इस मिस्ट के थ्रू। तो इसे आपको कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, एक बस नॉर्मल सी जगह में बैठ जाना है, खाली एरिया में आपको ओपन करना है, आपको अपना हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड, ओके, एंड बोथ साइड आपको स्प्रे करना है, ठीक है। आप 3 या 7 टाइम्स स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको ये जो बॉटल है ये आपको साइड में रख सकते हो, कहीं पर भी आपका मन है, और आपको हाथ को इस तरीके से रब करना है, ओके, इस तरीके से पूरे हैंड में, जिस तरीके से हम कुछ लोशन वगैरह लगाते हैं ना। अब आपको इस तरीके से अपने हैंड को लेकर स्मेल करना है, ठीक है, आइज़ को क्लोज करके स्मेल करना है। जब रबिंग आपकी हो जाएगी हैंड्स की, आपको नोज़ के सामने लेके जाना है, हैंड्स को स्मेल करना है। स्मेल करने के बाद आपको आइज़ क्लोज ही रखना है एंड अब आपको मैनिफेस्ट करना है कि आप इस मिस्ट के थ्रू क्या लाइफ में हासिल करना चाह रहे हो, ठीक है, या किसे हासिल करना चाह रहे हो। तो ये हो सकता है कि आप लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, लव अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, परफेक्ट मैरिज, मनी, ओके, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन को क्रश, या फिर किसी कोई भी चीज़ हो सकती है, यू नो, गुड हेल्थ, ओके, खुद का घर, खुद की गाड़ी, ठीक है, या खुद का कोई विश है, कोई ड्रीम, खुद के ड्रीम प्रोजेक्ट्स, या खुद के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ भी आप इसमें अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो अगर आपको ये चाहिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इस नाम भी लिख सकते हो, इसका नेम है अट्रैक्शन मिस्ट। सो इसे अगर आप चाहिए सो आप व्हाट्सएप में, इंस्टा में कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल हैं बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, अभी कुछ ही स्टॉक में बचे हुए हैं। सो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स भी आप ले सकते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि वो सच में कैसा फील करते हैं आपके लिए, वर्सेस वो आपको कैसा शो करते हैं। सो क्या कोई डिफरेंसेस हैं या सारी चीज़ें सेम हैं, सो डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए हैं, आप सब देख सकते हो गाइज, ओके, जनरल रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, या फिर एनर्जाइज्ड मिस्ट स्प्रेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी सिर्फ 2 दिन के लिए ओपन रहेगी। सो अगर आपको पेड पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए सो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करके अपनी स्लॉट्स बुक कीजिए, बिकॉज स्लॉट्स लिमिटेड रहेगी एंड 2 डेज के बाद फिर बंद हो जाएगी, ओके। सो हरी अप एंड बुक योर स्लॉट नाउ। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो में भी आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए इसे मैं साइड में कर देती हूँ, इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके साथ कैसे रहते हैं, कैसा एक्सप्रेस करते हैं या कैसा शो करते हैं, ओके। Okay, we have the Hanged Man, we have 3 of Pentacles. Okay, so देख लेते हैं आपके पर्सन कैसा आपको शो करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपके साथ कॉपरेट करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी हो सकती है, आप दोनों की बातचीत होती है, मुझे यहाँ पर कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अच्छे से रहते हैं, ठीक है। आपके साथ कोई बात शेयर करनी हो गई, या आपके साथ घूमना हो गया, या आपकी कोई बात सुननी हो गई, आप दोनों के बीच में कोई शेयर करना हो गया, कोई अच्छा टाइम क्वालिटी स्पेंड करना हो गया। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ में ये इंसान कॉपरेट करते हैं, आप जो भी आप चाहते हो या जो भी नेसेसरी है वो सारी चीज़ों को निभाने की ये इंसान कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर एक स्टकनेस है जो आपको समझ में नहीं आती है कि
क्या है बेसिकली। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ सारी चीज़ों को करते हैं, आपके साथ रहते हैं, बट स्टिल ये अपने फीलिंग्स को लेकर एकदम से क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों का सिचुएशनशिप बना हुआ है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों कितने परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी आप दोनों के रिश्ते का कोई नाम नहीं है। ना आप लोग फ्रेंड्स हो पूरी तरीके से, फ्रेंड से बढ़कर हो, लेकिन फिर आप दोनों का रिलेशनशिप भी बना नहीं है, ऑफिशियल नहीं हुआ है कुछ, तो है क्या। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 40% लोगों के लिए ये सिचुएशनशिप है जहाँ पर ये इंसान आपके साथ हर एक चीज़ को इंजॉय करते हैं, रहते हैं, प्यार भी है आप दोनों के बीच में, लेकिन कन्फेशन नहीं है, ठीक है, प्यार का इजहार नहीं है, प्रपोजल नहीं है, ठीक है, या ऑफिशियल करने की कोई एनर्जी ही नहीं है, बस जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, चलते जा रहा है, ना आप कुछ कर पाते हो ना वो कुछ करते हैं सामने से। ये 40% लोगों के लिए। 60% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन ऑल्दो बहुत सपोर्टिव हैं या बहुत अच्छे से आपके साथ रहते हैं या आपको एज सच कोई हार्म नहीं पहुँचाते हैं, ज़्यादा हर्ट वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन समहाउ वो इमेच्योर है इस कनेक्शन को लेकर। आपको इतना प्यार, इतना कंटेनमेंट फील होता है उनके प्रेजेंस के वजह से, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपके साथ नहीं रहने वाले हैं और फ्यूचर में ज़रूर ही आपसे दूर हो जाएंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी वजह से आपके पास बंधे हुए हैं और आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान निकलना चाहते हैं लेकिन किसी चीज़ की वजह से नहीं निकल पाते हैं और वो अच्छे से रहते हैं, लेकिन एक टाइम ज़रूर आएगा जब ये हमसे दूर होंगे। तो आपका मन का वहम भी हो सकता है या सच भी हो सकता है, हम आगे देखेंगे, लेकिन ये मुझे दो सिनेरियोज़ नज़र आ रहे हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के अंदर ऐसा कोई भी कमी नहीं दिख रहा है कि ये इंसान आपको एक्सप्रेस नहीं करते। मुझे लग रहा है जैसे इनको रहना चाहिए वैसे रहते हैं। हाँ, हो सकता है आपको प्रपोज़ नहीं किया है इन्होंने, हो सकता है कन्फेस नहीं किया है कि ये आपसे प्यार करते हैं, और कुछ लोगों के लिए कन्फेस करने के बाद भी हो सकता है ये पर्सन कभी कभार इमेच्योर हो जाते हैं, कभी कभार हो सकता है कि आपको छोड़ने का धमकी देते हैं या फिर डराते हैं आपको या झगड़ा करते हैं बहुत आपके साथ। तो ये सारी चीज़ों से हो सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत डाउट लगता है कि पता नहीं ये लाइफ टाइम साथ निभा भी पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। We have Eight of Vessels, we have Two of Arrows, we have Five of Stones, we have Page of Arrows. Okay. तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन सच में कैसा फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ विद एट ऑफ वेसल्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन सच में चाहते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड वर्क करें एंड कुछ फ्रूटफुल आप दोनों के कनेक्शन में हो, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने लव लाइफ में या फ्रेंडशिप में भी बहुत सफ़र किया है, ठीक है। तो ये इमोशनल लॉस से बार बार गुजरे हैं। दिस टाइम ये पर्सन आपको लेकर होप्स रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके अंदर जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो उसका कुछ रिजल्ट फ्रूटफुल निकले। तो यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान के दिल में प्यार है, इस इंसान के दिल में इमोशंस हैं, लेकिन क्योंकि इनका पास्ट उतना अच्छा नहीं रहा है लव लाइफ को लेकर या लोगों को लेकर, तो ये कन्फ्यूज्ड हैं कि आप पे इन्वेस्ट करना या आपको प्यार देना या आपके साथ पूरे तरीके से आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इनके लिए हानिकारक होगा या फिर इनके लिए अच्छा होगा, ठीक है। क्या आप दोनों का साथ फ्यूचर में बनेगा, क्या आप इनका साथ निभाओगे या नहीं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो डाउट हो सकता है आपके मन में है कि शायद आज ये अच्छे से हैं लेकिन कल शायद ये आपको छोड़ के चले जाएं, सेम इनके दिमाग में भी वही थॉट है कि आज आप हो सकता है कल आप चले जाओगे इनको छोड़कर। तो आप दोनों के दिल में ये चीज़ हो सकता है काम कर रही है, ये डाउट काम कर रहा है। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये पर्सन जो है अभी तक बहुत होपफुल नहीं हो पाए हैं आपको लेकर, लेकिन ये दिल से चाहते हैं कि ये इंसान आपको बहुत प्यार कर पाए, ठीक है। ये इंसान अपने लाइफ का अकेलापन दूर कर पाए, आपको अपना बना पाए ऑफिशियल लेवल पर एंड आपको ट्रस्ट कर पाए और इस रिश्ते को हैप्पीनेस के साथ जी पाए,
ठीक है, तो इनको ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जेन्युइनली ईश्वर से भी मांगते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए अच्छा साबित हो, ये इंसान यानी कि आप उनके लिए अच्छे साबित हो, और जो जिस तरीके से आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, सारी मनोकामना इनकी पूरी हो आपके साथ। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बहुत प्लानिंग करते हैं आपके साथ, अपना फ्यूचर ड्रीम करते हैं, फैंटेसी में रहते हैं आपके साथ, एंड यू नो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोनों के बीच में अच्छी अच्छी चीज़ें हों। लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान को एक यू नो कॉन्फिडेंस जो मिलता है या एक जो अश्योरेंस मिलता है वो उनको आपके तरफ से नहीं मिला है। हो सकता है मिला भी है लेकिन वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो कहीं ना कहीं कोई यूनिवर्सल अश्योरेंस या किसी तरीके से एक फीलिंग रिसीव करना चाहते हैं जहाँ पे इनको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए आप दोनों के रिश्ते को लेकर, और इनको आपके ऊपर पूरा भरोसा हो जाए कि हाँ आप बिल्कुल सही इंसान हो, आप इनको बिल्कुल हर्ट नहीं करने वाले हो और आप इनके साथ ही रहोगे। तो मुझे लग रहा है कि जो जो ड्रीम ये देखते हुए आ रहे हैं वो सारी चीज़ें ये अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, जैसे कि आपको स्पेशल फील करवाना, आपको सरप्राइज़ देना, आपको लेकर कहीं ट्रिप पर जाना, आपको किसी तरीके का खुशियाँ देना, आपको खाना बना के खिलाना, आपके साथ रहना, आपका केयर करना, आपके साथ शादी करना, रिलेशनशिप में जाना, ये सारे ड्रीम्स इन्होंने ऑलरेडी सोच कर रखे हैं। अब बस ये आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान फिर से गलती नहीं करना चाहते जो इन्होंने हो सकते हैं पास से सीखा हुआ है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि ये इंसान वल्नरेबल नहीं होना चाहते। ये चाहते हैं कि अब वो जिसके साथ भी जो भी करें सोच समझ के करें और सही इंसान के साथ ही अपना इमोशन इन्वेस्ट करें। तो ये कहीं ना कहीं टाइम लेना चाह रहे हैं, आपको और भी ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, और भी ज़्यादा समझना चाह रहे हैं कि क्या आप उनका साथ निभा पाओगे ज़िंदगी भर, और यही चीज़ इनके माइंड में चलती है। ठीक है, सो अगर आप भी इनके ऊपर इंटरेस्टेड हो या आपको भी इनसे प्यार है, तो क्योंकि इनको तो आपसे प्यार है ही, लेकिन आपको भी अगर इनसे प्यार है तो आप ट्राई करो कि आप इनसे प्यार वो प्यार के साथ रहो, इन्हें प्रूफ करो या फिर इनको वो दिलासा दिलाओ कि हाँ आप बाकी लोगों की तरह बुरे इंसान नहीं हो और इनको छोड़कर नहीं जाने वाले हो, आप जेन्युइन पर्सन हो और इनका साथ आप निभाओगे। तो ये फीलिंग आपको कहीं ना कहीं उनको फील करवानी होगी, इन केस इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टू देम। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड समहाउ ये पर्सन बहुत अकेले भी हैं, सो कभी कभार अगर आपके साथ कनेक्शन टूट जाता है या आप उन पर झगड़ा कर लेते हो, आप बात बंद कर देते हो, तो उनको बहुत दुख होता है। ठीक है, वो बहुत पेन में रहते हैं, फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि सही है जो पास्ट में हुआ था वो शायद अभी भी होने वाला है। तो जितने बार आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स आती है, नो कॉन्टैक्ट आती है, झगड़ा होता है, उतने बार इनको डर लगता है और उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, पास्ट में इनके साथ जैसा हुआ वैसा फिर से होने वाला है। तो फिर उनका जो ट्रस्ट जो बिल्ड होता है ना वो फिर से टूट जाता है। तो आपको ट्राई करना है, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको ट्राई करना है कि आपकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट ना हो इनके, अगर आप इन्हें सच में चाहते हो तो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर अच्छी दिख रही हैं, इंसान अच्छा इंसान है, वक्त ले रहे हैं अपना जो कि लेना भी चाहिए, ये प्रॉपर हील होकर कॉन्फिडेंटली आपके साथ परस्यू करना चाहते हैं कनेक्शन को, इसलिए टाइम ले रहे हैं जो कि लेना भी सही है। तो बट मुझे लग रहा है कि ये इंसान शो भी करते हैं हर एक चीज़ को, हाँ खुल के सब कुछ नहीं बताते, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ हैप्पीली ही रहना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को मिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मैंने 4 टाइप के मिस्ट लॉन्च किए हैं बाय गॉड्स ग्रेस, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए, बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए हैं। 4 तरीके के मिस्ट हैं, एक है क्रिस्टल क्लिंसिंग एंड एनर्जाइजिंग मिस्ट, जिसे आप अपने क्रिस्टल को, जेमस्टोन को, अगर आप ऑलरेडी वेयर करते हो या रखते हो अपने पास, उसे क्लीन कर सकते हो, एनर्जाइज कर सकते हो या री एनर्जाइज कर सकते हो। दूसरा है अट्रैक्शन मिस्ट, जिसे यूज़ करके आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तीसरा है हीलिंग मिस्ट, इनकेस अगर आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, पास्ट में अटके रहते हो, आपकी सोल ग्राउंडेड नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने में सोल क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छा है। एंड फोर्थ है पॉजिटिविटी एंड एवल लाइफ प्रोटेक्शन, ये आपके घर के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप घर में स्प्रे करते हैं तो एग्जिस्टिंग नेगेटिविटी हट जाती है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है, एंड जो फ्यूचर के एवल आई पड़ने के चांसेस होते हैं, बुरी नज़र पड़ने के चांसेस होते हैं आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके घर के मेहमानों फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, वो सारी चीज़ें हट जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अट्रैक्शन मिस्ट के बारे में। ठीक है, हर एक मिस्ट के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस होंगे एंड हर एक का यूज़ अलग अलग है, तो सारी चीज़ें आपको पैकेज में मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है, तो उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो भी बना दूंगी अलग से 1 by 1। तो आज मैं आप लोगों को अट्रैक्शन मिस्ट के बारे में बताना चाहूँगी। ये मिस्ट बहुत ही ज़्यादा
पावरफुल है। आप लोग मेरे सेकंड चैनल पे विजिट कीजिए, सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको और भी मैजिक से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मेथड्स को ट्राई किया है एंड उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो ये जो मिस्ट है ये बहुत पावरफुल है, इससे आप कोई भी चीज़ या किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको मैं मेथड बता देती हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को यूज़ करके इंस्टेंटली कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस बॉटल को ओपन कर लेना है एंड आपको लेफ्ट हैंड में स्प्रे करना है, ठीक है। आप 3 times या 7 times इधर भी और अंदर भी 3 times या 7 times स्प्रे कर देना। एंड स्प्रे करने के बाद आपको दोनों हैंड्स को रब करना है, ठीक है। जैसे आप लोशन लगाते हो, रब करते हो, उसी तरीके से, कैमरे में अच्छे से नहीं आ रहा है बट फिर भी आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके से रब करना है नॉर्मली। रब करने के बाद आपको हैंड्स को अपने नोज़ के सामने लेकर जाना है, आईज़ को क्लोज करना है, स्मेल को फील करना है। स्मेल लेने के बाद आपको अब इंटेंशन सेट करना है कि आप इस मिस्ट के थ्रू क्या अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। मनी अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, या डिजायर्ड कॉलेज हो गया, या लव हो गया, न्यू रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप में रियूनियन हो गया, मैरिज हो गया, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो गए, ठीक है, और कुछ भी हो गया, गुड हेल्थ हो गया, ब्यूटी हो गई, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इससे। बस ध्यान रखना होगा कि आपके इंटेंशन जो है वो प्योर है, अच्छे हैं, किसी अच्छे थॉट के साथ आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ, प्योरिटी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि जल्द से जल्द आपको रिजल्ट मिल पाए, ठीक है। और इसी तरीके से आपको स्प्रे वगैरह करना है और बस मैनिफेस्ट कर लेना है और इजीली आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे अगर आप इसे वीकली बेसिस में 3 to 4 times वीक में यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे कि 7 days होते हैं एक वीक में, तो आपको 3 से 4 दिन डेफिनेटली इसको यूज़ करना है, ओके। सो अगर आपको ये चाहिए सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अट्रैक्शन मिस्ट भी कहकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप में, इंस्टा में, और अपने ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। लिमिटेड स्टॉक्स है बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं, अभी एक आध स्टॉक ही बचे हैं। सो अगर आपको चाहिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए एंड अपनी ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो ये थी आप लोग की रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आए। और क्रिस्टल्स वगैरह की तो बुकिंग्स चल ही रही है, सो क्रिस्टल्स वगैरह भी आपको अगर आपको चाहिए कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस करिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।